गुमला शहर के चाहा मैदान में 1600 मीटर दौड़ महाकुंभ प्रतियोगिता हुआ। लक्ष्य फिजिकल एकेडमी द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड राज्य के अलावा उड़ीसा, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य के 500 से अधिक युवक युवती प्रतिभागी भाग लिए। ये सभी युवक युवती आर्मी, अग्निवीर, पुलिस, होमगार्ड आदि प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए युवक युवतियों की प्रतिभा जांचने के लिए दौड़ हुआ। इसमें कई राज्य व राष्ट्रीय स्तर के एथलीट भी भाग लिए। बालिका वर्ग में 5 मिनट 30 सेकंड का समय लेते हुए रांची की आशा कुमारी ने 1600 मीटर दौड़ पूरी कर रिकॉर्ड बनाई। बालिका वर्ग में टॉप 10 में आशा कुमारी, हीरा सांगा, सुशांति कुमारी, फूल कुमारी, सुमन कुमारी, चंद्रमुनि उराव, सुषमा बाई, चंचल मुंडा, आरती कुमारी, पूजा कुमारी रही। वहीं बालक वर्ग में टॉप 10 में प्रदीप कुमार, उमेश उराव, कालो मुंडा, गुलशन डुगडुंग, सोमनाथ लकड़ा, भन्ने कोड़ा, दिनेश महतो, हेमंत कुमार महतो, आशीष कुजूर, अभिनंदन कुमार रहे। विजेता प्रतिभागियों को नगद राशि, प्रमाण पत्र और मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकार सह जिला प्रेस क्लब के महासचिव दुर्जय पासवान, विशिष्ट अतिथि हिंदुस्तान होटल के मालिक मनीष साहू, समाज कल्याण विभाग गुमला की सुपरवाइजर राजलक्ष्मी लकड़ा के साथ समाज सेवी पुनीतलाल रामोतार भगत, कृषि विभाग से दीपक कुमार, भूमि संरक्षण विभाग से आशीष, नरेश टुड्डू, प्रताप कुमार, बबलू खान, पूर्व मुखिया अमित एक्का, देवेंद्र लाल उराव, संतोष झा सहित कई लोग थे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूसरे राज्य के कई खिलाड़ी एक दिन पहले ही गुमला आ गए थे। 1600 का महाकुंभ, यह सोच कहाँ से आया और इसको कितना और आगे ले जाना है? सर, हम लोग का सोच है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो बहाली से पहले अपना ट्रायल दे दे, ताकि वहाँ पर जाके जो घबराहट होती है ना, बच्चों घबराहट होती है, इतना भीड़ में कैसे दौड़ेंगे, तो हम लोग वो प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जिससे बच्चा घबराए नहीं। और इधर का बच्चा, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, थोड़ा जॉब में जाके अपना जो गरीबी है उसको दूर करे, यही सब सोच के साथ हम लोग युवा अगर आगे नहीं आएंगे तो युवा आगे बढ़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर ये अभी 1600 मीटर महाकुंभ करा रहे हैं। इसमें अभी हजारों बच्चे आकर अपना प्रतिभा निखार रहे हैं और अपना जो आने वाला भविष्य में जो बहाली है उसके लिए वो लोग अपना तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज लक्ष्य फिजिकल एकेडमी द्वारा दौड़ महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस महाकुंभ का भविष्य में युवाओं में क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से गुमला पहले से भी खेल की नगरी से जाना जाता है और इस जो लक्ष्य फिजिकल एकेडमी द्वारा जो यहाँ पे आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के लड़का है, जो युवा लड़का है, उसमें जोश उत्साह आएगा और ये हमारे तरह तरह के जो आर्मी में जाने के लिए जो तैयारी करते हैं या धावक बनना चाहते हैं, तो इससे एक अलग उत्साह जगेगा। यह गुमला के लिए बहुत अच्छी बात है। देखा जा रहा है कि ये लोग नशा पान के मकर जाल में फंसते जा रहे हैं और अपना भविष्य बर्बाद किए, क्या इस प्रकार की प्रतियोगिता इन बच्चों को कुछ अलग दिशा देगी? निश्चित, ये लक्ष्य फिजिकल एकेडमी ने बहुत ही अच्छा एक कार्य शुरू किया है इस ज़िला में। आज जो युवा है हमारी देश की और दिशा तय करते हैं, और जैसा गुमला में और सुदूर क्षेत्रों में नशा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसमें लक्ष्य इतनी अच्छी कार्यक्रम, इतने अच्छे दौड़ की प्रतियोगिता कर रही है और ट्रेनिंग्स भी दे रही है कि बच्चे फौज के लिए जाएँ, पुलिस लाइन में जाएँ, तो इसके लिए इनका ये योगदान मैं तो मानता हूँ कि बहुत उत्तीर्ण योगदान है जो ये समाज के लिए और अपने देश के लिए दे रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से लक्ष्य एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे नशा पान छोड़कर फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान दें और देश के लिए काम आ सके। गुमला में यह पहला प्रयोग है और पहला इस प्रकार का ऐतिहासिक कदम उठाया गया लक्ष्य फिजिकल एकेडमी, क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्य फिजिकल एकेडमी के द्वारा जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, गुमला जिला के सभी प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत करके और उन लोगों के प्रेरणा से यह हो रहा है। गुमला जिला लोगों के मुंह से कहा जा रहा था कि यह उड़ता पंजाब बनता जा रहा है नशा के क्षेत्र में, लेकिन यह एक सकारात्मक काम है कि सिर्फ गुमला के बच्चे या अन्य क्षेत्र के बच्चे उड़ते पंजाब में से नहीं हैं, सचमुच में उड़ता युवा है और यह युवा ही देश का भविष्य है। विविध
खेल में, हॉकी में, क्रिकेट में झारखंड अपना परचम लहराता है और उस हर खेल में एक अपना स्थान रखता है गुमला। और इन बच्चों से बहुत अपेक्षा है और इस तरह के आयोजन बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं और वो अपनी शक्ति को आंकने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का आयोजन। क्या ये युवा आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, लक्ष्य फिजिकल एकेडमी का जो ये कदम है, ये लगता है कि हमारे गुमला जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए और अन्य राज्यों के लिए भी लगता है ये एक ऐतिहासिक कदम है। और इससे हमारे युवा ही नहीं, युवाओं के साथ हमारे जो गार्जियन, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये आपका कार्यक्रम है। और हमको लगता है कि इसके माध्यम से, क्योंकि हमारा जिला जो है बहुत आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, गाँव गरीब लोग पहाड़ों पर रहते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ करके ऐसा काम करें, ऐसा हम लोग प्रतीत होता है कि इसके माध्यम से हम लोग देश में अपना परचम लहराएंगे और इससे हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।